अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगज़ीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरत होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हम एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग स्पोर्ट की बात करेंगे, जिसके लिए एक एक्सपीरियंस प्लेयर कम कोच हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेहमान के तौर। कौन है ये मेहमान, अब से ज़रा देर बाद आपको पता चलेगा। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फ़ोन नंबर 2481813 और 2481832 पर अब से कुछ मिनट के बाद फ़ोन करके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों के साथ चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, क्या कुछ रहा गुज़श्ता दिनों के दौरान मुकामी सतह के खेलों में, खास किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है आज का लोकल राउंडअप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। बांडीपुरा में हुआ 10वें डारसेट फुटबॉल मेमोरियल टूर्नामेंट का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में आरको एफसी सोपोर ने बांडीपुरा हीरोज को 1-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लोलाब के इश्तराक से एनुअल रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें शाहिद रशीद ने पहली पोजीशन की हासिल, जबकि दानिश अहमद ने दूसरी और तनवीर अहमद ने तीसरी पोजीशन पर किया कब्जा। बारामूला में हुआ अंबर फुटबॉल कप का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में स्ट्रांग डाउनटाउन ने SWFC की टीमें रही आमने सामने। कुल 32 टीमें कर रही है शिरकत। IPL 2022 में जम्मू कश्मीर के उमरान मलिक की उम्दा कारकर्दगी बेहतर होने के साथ ही उमरान मलिक को BCCI ने भारतीय T20 क्रिकेट टीम में शामिल करने का लिया फैसला। उमरान को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी दी मुबारकबाद के पैगाम। बीरो बड़गाम में हुआ ओपन टाइकाडो चैंपियनशिप का इनका, जिसमें वादीबार से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने की शिरकत। तमिलनाडु में जारी सब जूनियर वुमेन्स हॉकी कप के दौरान पूल एच के में जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु ने 16-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया। पोलो ग्राउंड इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में 7वें पैंचेक साइलेंट चैंपियनशिप का 28 मई से हो रहा है आगाज, जिसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 250 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। शुपियान में जारी समर कप के और एक मुकाबले में हमाद स्पोर्ट्स क्लब ने KCC क्रिकेट क्लब को 4 विकेटों से मात देकर मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर शाहिद को मिला मर्द मैदान का खिताब। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ नारद कैंपस के इश्तराक से नेहरू पार्क से लेकर शंकर आचार्य तक रोड रेस का एहतमाम, जिसमें 80 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर की। शालबुक T20 लीग के और एक मुकाबले के तहत मेक एंड मोहम्मद अली हवल ने गांधरबल जिम खान को 45 रनों से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस मौके पर यूनुस अहमद को मिला मैन ऑफ द मैच का एजाज। कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुआ इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में उर्दू और स्टैटिक से वाबस्ता टीमें रही आमने सामने। तो नाज़रीन, ये था आज का मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है DD श्रीनगर के स्टूडियो से, और आप हमको YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंडअप के जरिए। गुजरात टाइटंस इस हफ्ते IPL 2022 के पहले क्वालिफायर में शानदार जीत के बाद टाइटल मैच में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गुजरात टाइटंस ने प्लेऑफ से कबल भी फर्स्ट पोजीशन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखा। IPL के एलिमिनेटर में RCB ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया और क्वालिफाई 2 में जगह बनाई। आज क्वालिफाई 2 में RCB का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। विनिंग टीम गुजरात टाइटंस के साथ फाइनल खेलेगी। हॉकी, एशिया कप हॉकी में भारत सुपर 4 राउंड में दाखिल। पाकिस्तान के खिलाफ मैच किया 1-1 से बराबर। जापान के खिलाफ मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तहम इंडोनेशिया को भारत ने 16-0 से हराकर इस बड़ी जीत के साथ सुपर 4 के राउंड में जगह हासिल की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए KL राहुल होंगे भारत के कैप्टन, और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए भी टीम का ऐलान, पुजारा की वापसी। सालेरवा का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन पेरिस के रोलां गैरस कोर्ट्स पर जारी। नडाल ने अपना 300वां ग्रैंड स्लैम मुकाबला जीता। वुमेन्स डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा को 97वीं रैंक्ड 19 साल डियाना पेरी ने हराकर बाहर कर दिया।
2021-22 का ईपीएल मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया। इतवार को फैसला कुन रोज मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन के खिलाफ जीता अहम मुकाबला और एक पॉइंट से जीत बरकरार रखी। रियल मैड्रिड और लिवरपूल की टीमें इतवार को खेलेंगी चैंपियंस लीग का फाइनल और भारत के एथलीट मुरली शिवशंकर ने हासिल किया लॉन्ग जंप गोल्ड मेडल। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के एथलीट कमेटी की चेयरपर्सन बनी लवलीना बोरगोहेन। इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन टेस्ट खिलाड़ियों पर रश करते हैं कि उनके कोच अब ब्रेंडन मैकलम है। 2 जून से इंग्लैंड की न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 3 वनडे मैचेस के लिए पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान। 8, 10 और 12 जून को मुल्तान में खेले जाएंगे 3 वनडे मैचेस और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन सलमान बट बन गए सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के कंसल्टिंग हेड कोच। बांग्लादेश और श्रीलंका के माबेन दिलचस्प दूसरा टेस्ट इख्तिताम पसीर। श्रीलंका ने 10 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज 1-0 से जीत ली। एंजिलो मैथ्यूज मैन ऑफ द सीरीज और असीता फर्नांडो मैन ऑफ द मैच करार। नाज़रीन, दूसरा टेस्ट जो श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया जिसमें श्रीलंका ने जीत दर्ज की, एक दिलचस्प मैच रहा। बांग्लादेश की पहली इनिंग में 6 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। ताहम मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने सेंचुरियां स्कोर की। यह एक अनोखा वाका है जब टेस्ट इनिंग में एक टीम के 6 बैट्समैन 0 पर आउट हुए और फिर 2 बैट्समैनों ने शानदार खेलकर जो है इनिंग को आगे बढ़ाया और 2 सेंचुरी स्कोर की। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने का, तो चलते हैं मेरे साथी रोशन खयाल के पास। दोस्तों, आज जिस खिलाड़ी से आपका तारुफ कराने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक खिलाड़ी रही हैं और नेशनल और इंटरनेशनल कोच भी हैं। इन्हें हम प्यार से वाटर स्पोर्ट्स की क्वीन कहते हैं। वाकई ये क्वीन है और ये तहरीक है बहुत सारी नौम्र खिलाड़ियों के लिए। आइए मिलते हैं बिल्किस मीर से। बिल्किस, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। बिल्किस, ये बताइए कि पानी का और आपका रिश्ता कितना पुराना है? बहुत पुराना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डल झील इज लाइफ लाइन फॉर मी। अगर डल झील नहीं होता तो शायद ये बिल्किस आपके सामने नहीं होती। पानी के साथ मेरा रिश्ता पुराना है और घर वालों का भी कहना है कि जब मैं बचपन में किसी बच्चे को खिलौने देते थे, जब भी आपको पानी दिखाते थे तो आपके चेहरे पे खुशी होती थी, तो खिलौनों से कम प्यार होता था पानी से ज्यादा। बहुत अच्छा। और ये पानी जो है वाकई आपकी लाइफ लाइन बना हुआ है। वैसे सबकी लाइफ लाइन है लेकिन वैसे तो एक खिलाड़ी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उंसुर है पानी का। पहली बार जो आपने चैंपियनशिप कश्मीर में खेली उसके बारे में बताइए, क्या उम्र रही होगी आपकी और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही? मेरे खेल करियर की शुरुआत उस वक्त की मैंने जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी। 1998 में मैंने पहली बार कयाकिंग कैनोइंग खेलों में हिस्सा लेना शुरू किया। डल झील से ही शुरुआत हुई और ये सफर पूरा आज 25 साल हो रहे हैं। और ये सफर बड़ा सुंदर भी था, स्ट्रगल भरा भी था, अप एंड डाउन्स भी आए, मगर ये है कि कैनोइंग की वजह से, वाटर स्पोर्ट्स की वजह से आज ये बिल्किस यहाँ खड़ी है। और आई हैव प्लेड मोर देन 20 नेशनल्स और इसमें सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट रही 25 साल में वो था वर्ल्ड कप 2009 जो हंगरी में हुआ। उसके बाद मैं इंडिया टीम की भी कोच रही, 10 साल रही, तो उसमें भी बहुत एक अच्छा ये रहा। फिर मैं इंटरनेशनल पैनल में भी आई, तो ये सफर बहुत खूबसूरत रहा और बहुत स्ट्रगल भरा भी रहा। और ये सफर जो है जारी और सारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर आगे भी चलता रहेगा और आप बहुत सारी कामयाबियां हासिल करेंगे। अब बिल्किस, ये जो आपका सफर रहा है, मुझे याद है एक बार आपने आपसे पूछा था, आप 6-7 साल की उम्र की रही होंगी और आपसे पूछा गया था इसी प्रोग्राम के जरिए कि आप क्या बनना चाहती हैं। मुझे याद है आपने जवाब कहा था कि मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहती हूँ, तो क्या आपने सोच समझ के वो जवाब दिया था कि मजाक में कहा था? जब मुझे याद है पहला इंटरव्यू शायद आपने ही मुझे लिया, मैं स्कूल में इंटर स्कूल हो रहा था और आपने मुझे पूछा था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्योंकि जब मैंने वो जवाब दिया मुझे नहीं तब पता था कि इंटरनेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल का मकसद क्या है या आगे मैं क्या बोलूं। बट ये था कि मैंने आपको, मुझे याद है मैंने आपको, आपने चलाया भी था एक बार वो वीडियो, इवन मैंने सेव भी किया, मैंने बोला मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना चाहती, मगर तब मुझे नहीं इतना पता था कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के लिए इतनी मेहनत करनी। तब मैंने ऐसे ही बोला बट ऊपर वाला सुन रहा था। उस जमाने में, उस दौर में, शायद 98-99 की बात है, साल 2000 के आसपास, उस जमाने में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था डल में। डल तो था लेकिन डल में वो चीजें मुहैया नहीं थी जो आजकल मुहैया हैं। कितनी तब्दीली आई है तब से अब तक
वाटर स्पोर्ट्स में? जब हम खेलते थे हम छुप छुप कर आते थे, घर वालों को बता भी नहीं पाते थे कि हम स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, क्योंकि तब जब मैंने स्टार्ट किया मेरे आगे कोई रोल मॉडल नहीं था कि मैं घर वालों को बताती कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आपको रोल मॉडल होता है तो आप घर वालों को या आपके रिलेशंस में या इर्द गिर्द आपको समझाना बड़ा आसान होता था, बट जब हमने स्टार्ट किया तब ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। आज आप देख लीजिए कि टोटली चेंज है, जम्मू कश्मीर लीड कर रहा है वाटर स्पोर्ट्स में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इक्विपमेंट हो या बाकी चीजें हैं। एंड सबसे खुशी की बात ये है कि वी पीपल आर ब्लेस्ड विद अ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, बहुत फ्लैट वाटर एंड वाइल्ड वाटर। आप देख लीजिए कि हमारे पास जो वाटर फ्रंट्स है शायद ही हमारे मुल्क में किसी और स्टेट के पास है। जी, हमारी कारकर्दगी जो है कौमी सतह पर बहुत शानदार रही है। जैसा कि आपने बताया, एक वो वक्त था कि हमारे खिलाड़ी मुश्किल से ही कुछ कर दिखाते थे, लेकिन अब तो गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल्स, ये आम सी बात हो गई है। और ये जो खुशी का मकाम है, ये जो कामयाबी की मंजिल है, इस तक पहुंचने में कितना स्ट्रगल आपने किया और यहाँ पर खिलाड़ियों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, बहुत अच्छी फैसिलिटी प्लेयर को मिल रही है, बट हमने पिछले 4 सालों से हमने एक प्रोफेशनल प्लानिंग की प्रॉपर वे में। आज आप देख रहे हो कि 32 नेशनल में अरफात और मोहसिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें 25 स्टेटों ने पार्टिसिपेट किया। और अरफात और मोहसिन ये जो उभरते हुए खिलाड़ी है, आने वाले दौर में आपको इंडिया कैंप में भी नजर आएंगे। आप देख लीजिए इन खिलाड़ियों ने जो 200 मीटर की रेस जब लड़ी, ये तो पहले इन्होंने सिल्वर लिया और 200 मीटर में इनका गोल्ड आया, उसके बाद गोल्ड आया, और उसमें इनकी रेस जो थी आपने देखा होगा कि 50 मीटर पहले ये पीछे थे, 200 मीटर में 50 मीटर पीछे रहना वो नामुमकिन है। फिर आप कैसे उसको कवर किया, मगर हमारे जो वीडियो भी हमारे पास है वो जरा कुछ देर के बाद दिखाएंगे। लेकिन ये जो दो खिलाड़ी हैं इनके बारे में उससे पहले बात कीजिए अपनी मम्मा के बारे में। आपका जो करियर है उसमें मम्मा का कितना रोल है? अगर ये बिल्किस आपके सामने आज खड़ी है बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ बनी। जब मैं टूटी बहुत तब मेरी माँ मेरी स्ट्रेंथ बन के आई, और आज अगर ये बिल्किस खड़ी है तो बिल्किस सिर्फ माँ की वजह से। और बिल्किस कश्मीर से लेके दुनिया भर के बहुत सारे मुल्कों में गई, कहाँ कहाँ गई आप? आई वॉज इन मोर देन 25 कंट्री, सबसे ज्यादा ये लंदन वाला है, लंदन में जो मैंने कोर्स किया कंडीशनिंग में, हंगरी गई, जापान, चाइना, तो ये लंदन में थे जब हम कंडीशनिंग कोर्स कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटी बर्मिंगम यूनिवर्सिटी नंबर वन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जहां मैंने कोर्स किया एंड आई वाज अ टॉपर स्टूडेंट देयर। तो जहां पर आप हंगरी गई थी वहां पर आपने देखा कि हर मोहल्ले में हर 50 मीटर के बाद एक क्लब है, तो उसी पैटर्न को आप यहाँ गर्मियों में भी और सर्दियों में भी बरकरार रखने के लिए खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराती हैं। बताइए कि सर्दियों में, फरवरी की ये वीडियो है, तो कितना मुश्किल है माइनस टेम्परेचर में सुबह 6 बजे के करीब, 7 बजे के करीब उठ के खिलाड़ियों को निकालना, फिर खुद भी मेहनत करना और उनको भी प्रैक्टिस कराना। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाउ इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस फॉर वाटर स्पोर्ट्स? सर, ये जो विंटर का पूरा हमारा फोकस स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे था, आपने देखा अरफात और मोहसिन अगर गोल्ड मेडल हासिल किया, ये सारा हमने जो विंटर में मेहनत की, क्योंकि हमारी गेम में द बेसिक कंपोनेंट इज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, जिसपे हमने पूरे 2 साल काम किया। और इसमें अगर खिलाड़ी एक भी दिन प्रैक्टिस सेशन छूट जाता है वो परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकता है। हमारे पास गोल था अचीव करने के लिए, हमारे बच्चों को पहले ही पता था कि मुझे 1 मिनट 40 सेकंड में आना है, तो उसी टारगेट के लिए हमें 2 साल लगे इस चीज को अचीव करने के लिए। देखिए, जब खिलाड़ी फोकस्ड रहता है, जब यकसुई के साथ काम करता है, मेहनत के साथ काम करता है और उसके सामने मंजिल होती है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता कामयाबी तक पहुंचना। ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रोइंग कर रहे हैं बच्चे और इसके साथ साथ कनोइंग और कयाकिंग, जिन लोगों को फर्क मालूम ना हो कि कनोइंग क्या होती है, कयाकिंग क्या होती है और रोइंग क्या होती है, ये जो आगे लड़का आप देख रहे हैं वाइट बोट में, ये कैनो है, कैनोइंग कर रहा है, एक जरा बताइए कैसे कैनो आप देख लीजिए, इसमें जो ब्लेड होता है वो फिक्स नहीं, रोइंग में बोट पैडल और से जिसको कहते हैं फिक्स होते हैं, और खिलाड़ी पूरी तरह से फिक्स, उसमें जूते भी लगे होते हैं
उसकी पोजीशन एक फिक्स पोजीशन होती है। कैनो में आपका पैडल फ्री होता है और इसमें बोट का डिजाइन डिफरेंट होता है और कैनोइंग फॉरवर्ड जाती है, रोइंग बैकवर्ड जाती है, तो ये फर्क है। बोथ आर ओलंपिक डिसिप्लिन। पहले कैनोइंग यहाँ पर बहुत मशहूर गेम है बट रोइंग अब पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है और रोइंग का हम यहाँ बड़े टूर्नामेंट भी करने जा रहे हैं। रोइंग एक ओलंपिक इवेंट है और रोइंग में आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री बहुत आगे, ये देख लीजिए ये डबल स्कल है और ये हमारा सब जूनियर टीम है जिन पे हमें बहुत उम्मीद है कि ये आगे बहुत अच्छा करेंगे। दल का वाटर स्पोर्ट्स में कितना रोल है हमारी तरक्की में, हमारी कामयाबी में, हमारे मेडल्स हासिल करने में, दल ले का कितना रोल है? आप देख लीजिए गवर्नमेंट ने जो जो बड़े स्टेप्स लिए पिछले 2 सालों से वाटर स्पोर्ट्स में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है। हम एडमिनिस्ट्रेशन और जेएनके गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टेप लिए कि इन्होंने वो इक्विपमेंट खिलाड़ियों को प्रोवाइड किया जो ओलंपिक लेवल एशियन लेवल पे इस्तेमाल होता है। इससे खिलाड़ियों का और हौसला बढ़ा। मुझे याद है बिल्कुल पुरानी जो कयाक होते थे, कनो होते थे, तो वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते थे, इतने हल्के नहीं होते थे और इतने अच्छे नहीं होते थे, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं आती थी। लेकिन जो आपके पास ये कैनो हैं और कयाक्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के हैं और इसकी वजह से खिलाड़ियों की टाइमिंग बहुत अच्छी हो रही है, प्रैक्टिस में भी आपको बहुत आसानी हो रही है। तो ये जो कितने कयाक्स हैं आपके पास, कितने कैनो हैं जिससे ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं? ये लाइट वेट कैनो कयाक है 100% कार्बन। ये हमारे पास 8 सेट बोर्ड्स है जो जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया खिलाड़ियों को खासतौर वाटर स्पोर्ट्स में। आप खुद देख लीजिए ये जो इक्विपमेंट नेलो सिंको, ये आपको ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसे इवेंट्स में देखेंगे और जितने भी हमारे वर्ल्ड चैंपियंस ओलंपिक चैंपियंस होते हैं वो इसी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्लेयरों को आजकल उनको पहले से ही BMW गाड़ी मिलती है। जब हम थे तब हमें प्रैक्टिस एक गाड़ी में करनी पड़ती थी और फिर हम वहाँ टूर्नामेंट में भी बहुत दिक्कत होती थी। यानी टॉप क्लास ये कयाक्स है, टॉप क्लास कैनोज हैं और इसको खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और जाहिर है कि अरफात और मोहसिन ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन जिसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, हर रोज आपको डल में जाना पड़ता है, खिलाड़ियों को ट्रेन करना पड़ता है और तब जाके कामयाबी की तरफ आप बढ़ते हैं। और जब आपका कोई स्टूडेंट कामयाबी हासिल करता है तो कितनी खुशी आपको? आप देख लीजिए एक कोच का एक ही ख्वाब होता है कि उसका प्लेयर बहुत आगे बढ़े और जैसे इस साल हमारी जम्मू कश्मीर टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई। कितना है इनका आपस में तालमेल, कितना जबरदस्त है, तभी आपकी टाइमिंग बेहतर हो सकती है जब आप दोनों खिलाड़ी पैडल एक ही वक्त में सिंक्रोनाइज तरीके से चलाएं, तब जाके आप आगे बहुत ही तेजी से बढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें जैसे हमारा जो भी डबल इवेंट है, फोर इवेंट है, आपका सेंटर ऑफ एक्सलेंस था, वहां पे एक बहुत अच्छी तकरीब हुई थी, वहां पे भी सेंट्रल मिनिस्टर आए हुए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हुए थे, तो ऐसी तकारीफ जब डल लेक में होती है तो किस हद तक ये खिलाड़ियों को तहरीक देते हैं? आप देख लीजिए ऐसे जैसे हमारे गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्टेप्स लिए, इससे प्लेयरों को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली, वही आपके सामने आज रिजल्ट आ रहे हैं नेशनल लेवल पे। पीएम पैकेज में बड़ा बूस्ट मिला वाटर स्पोर्ट्स को और ये ऑनरेबल हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए थे जिन्होंने बच्चों को हौसला अफजाई की और सेंटर ऑफ एक्सलेंस वाटर स्पोर्ट्स में हमें मिला और ये बहुत खुशी की बात है और हमारे खिलाड़ियों को एक अलग एनकरेजमेंट मिली जब हमारे ऑनरेबल LG ने भी बहुत एनकरेज किया। मुझे बताइए जो आजकल खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए रोजगार के कितने मौके हैं, जो SRO है उससे उनको कितना फायदा होगा वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से? हम लास्ट 2-3 ईयर्स अगर आप देखोगे हमारे 100 से ज्यादा मेडल्स हैं और अभी जो रिसेंटली SRO 349 जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी में गेजेटेड पोस्ट भी आप खिलाड़ियों को मिलेंगे उसमें कम से कम 80-90 बच्चे जो इलिजिबल है वाटर स्पोर्ट्स में। ये हमने जहलीम में करवाया था, जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल ने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए, जीरो ब्रिज में हमने मैराथन रेस करवाई, पहली बार हुआ था कयाक मैराथन जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल। हम बात कर रहे थे जूनियर नेशनल जो भोपाल में हुआ था जहां पर हमारे खिलाड़ी अरफात और मोहसिन ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पर ये देखिए कैसे ये मुकाबला हुआ, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी थे और यहां पर येलो बोट में है कश्मीर के खिलाड़ी काफी पीछे, देखिए आप देख लीजिए 50 मीटर पीछे थे, उड़ीसा बहुत आगे है, मध्य प्रदेश आगे था और मगर पर उन्होंने एक्सेलरेट किया। आप देख लीजिए लास्ट फिनिश जो 50 मीटर था बहुत नामुमकिन था, जब मैं बैठी थी तो मुझे नहीं लग रहा था मगर इन्होंने कवर किया और उन्होंने गोल्ड मेडल दिया, तो ये खुशी की बात है। अरफत रहमान मोहसिन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर।
जोरदार ताली इन खिलाड़ियों के लिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने 38 सेकंड 54 माइक्रो सेकंड का समय निकाल करके अपने राज्य जम्मू एंड कश्मीर के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ये दोनों खिलाड़ी जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर बहुत ही फेमस जगह है डल लेक, जहाँ पर सभी घूमने जाते हैं। डल लेक में ये दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं और दोनों खिलाड़ी डल लेक भी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस देखिए, कोई चीज आप बगैर मेहनत के हासिल नहीं कर सकते। और कितनी मेहनत करना पड़ती है, चाहे कोविड था, चाहे सर्दी हो, कुछ हो, आप लोग दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये बताइए कि कोई चीज हासिल करना कितना आसान है प्रैक्टिस करके और कितना मुश्किल है घर में बैठ। आप देख लीजिए कि अगर ये खिलाड़ियों का जो एक भी सेशन मिस होता है तो हमारा जो टारगेट होता है, हमारी जो प्लानिंग है, वो बिल्कुल हम पीछे रहती है। ये जो आज मेडल हमें मिले हैं, हमने कभी ये नहीं देखा कि बर्फ है, हमने कभी ये नहीं देखा कि अब ये बहुत खुशी की बात है कि रोइंग की कंपटीशन हो रही है, नेशनल रोइंग चैंपियनशिप जून के महीने में डल झील में हो रही है। तो जो आपका स्पोर्ट्स सेंटर है वहां पर प्रैक्टिस आजकल जारी है, तो इस चैंपियनशिप के बारे में बताइए। पहली बार रोइंग नेशनल चैंपियनशिप यहाँ हो रही है। पहले रोइंग का यहाँ नहीं था कुछ, बट आज पहली बार ये रोइंग चैंपियनशिप हो रही है। आप देख लीजिए, हमारे पास वो रोइंग इक्विपमेंट है जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया, जो यूरोपियन नेशन, बिकॉज हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस। तो आज देख लीजिए, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये बड़ा 50 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत बूस्ट मिलेगा रोइंग स्पोर्ट्स को। कायाकिंग में तो हम बहुत लीड कर रहे हैं, बट रोइंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े इनिशिएटिव ले लिए। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल एलजी। पीएम पैकेज में बड़ा बूस्ट मिला और जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया खिलाड़ियों को कि वो नेशनल में आज एक्सेल कर रहे हैं। एक कॉलर लाइन पे है, काफी देर से इंतजार करें। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैं एम के भट बोल रहा हूँ। मुझे बहुत पसंद आया ये जो ये फीचर एंड ब्यूटी दिखा रहे हैं वीडियोस में। जी जी, वेरी नाइस। हमारी कोच है, नेशनल कोच है बिल्किस्मीर जी, इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? मैं इस मैडम को देख रहा हूँ। इसने बोला मुझे पानी से बहुत लगाव है, हालांकि मैं हाइड्रोफोबिक हूँ मायसेल्फ, यानी खौफ खाते हैं पानी से। मेरी तरह पानी से मुझे लगता है, बड़े पानी से मुझे डर लगता है, मगर ये इसकी कमाल है, इस पानी से खुश होती है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है, ये ब्यूटीफुल लगा मुझे। अगर ये हमें 30 साल पहले होता है कश्मीर में, बिकॉज कश्मीर इज पैराडाइज एंड दे कैन डू, वी वुड हैव बीन 30 ईयर्स बिफोर द वर्ल्ड चैंपियंस इन कैनोइंग एंड याटिंग। ये देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, वही मैं कहना चाहता हूँ। मगर मैं मैडम जी को एक ही कहना, जो हमारे श्रीनगर के इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और पानी, इसमें फर्क होता है। जो आई हैड सीन हर्ड अबाउट इट, जो पानी बारी होता है इसी इलाके में और फॉरेन में, कुछ फ्लो अप कोई लिटल होता है, या हमारे कंट्री में चाहे उड़ीसा में या वहां में, पानी का कितना रोल है। एक हैवी वाटर होता है जो मुश्किल करता है हमारा, व्हाइट वाटर जिसके बहुत सारे मुकाबले होते हैं, राफ्टिंग होती है, एनवायरमेंट वो बहता पानी बहुत तेजी से, गशिंग वाटर होता है, वो अलग खेल है। उसके लिए कई मौका मिलना चाहिए, किसी और प्रोग्राम में उसके बारे में बात करेंगे तफसील से और आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे। लेकिन इनका सवाल क्या था कि लाइक पानी का कितना रोल रहता है। हाँ, यहाँ जैसे कोई खिलाड़ी हार्ड पानी में प्रैक्टिस करता है, नेचुरल रिवर में प्रैक्टिस करता है और फिर वो आर्टिफिशियल में जाता है, उसके लिए एक एडवांटेज होती है। आपने देखा होगा एथलेटिक्स में, आपने हर जगह देखा होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, बाकी रिकॉर्ड्स, मगर आज तक वाटर स्पोर्ट्स में आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत खुशी की बात है कि वाटर स्पोर्ट्स हमारी वादी में और जम्मू कश्मीर में तरक्की कर रहा है और आप इस की अलम लेके आगे बढ़ रही हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आइंदा दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। आपका इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आप चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, प्रोग्राम से इख्तिताम से कबल आपकी खिदमत में ये अर्ज करते हैं कि आज IPL के क्वालिफायर 2 में अहम मैच है, RCB का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स के साथ, जरूर एंजॉय कीजिएगा। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जिसने बहुत शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया IPL में स्टार्ट से लेकर क्वालिफायर 1 तक, उसके खिलाफ जो है टाइटल मैच खेलेगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बालकनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा घर।